हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी विक्रम कुमार फ्रॉम शाइन हाई सेकेंडरी स्कूल कासराबाद हैदराबाद। तो जी बच्चों, आइए हम अपनी क्लास टाइम वेस्ट के बगैर स्टार्ट करते हैं। फुली कंसंट्रेशन से रहिएगा ताकि हर चीज़ समझ में, कॉपी पेन में नोट कर लेंगे। तो हम समझ लेते क्वेश्चन नंबर 7, जिसका आज क्लास में सेकेंड पार्ट समझेंगे। करना क्या है, सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखना है ट्रम जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स माइनस एक्स वेरिएबल मौजूद ना, वो ट्रम चाहिए। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट आपने फुली कंसंट्रेशन समझा है, सेकंड पार्ट आसान, फिर भी कंसंट्रेशन से नहीं आइए समझते। कोई कंफ्यूजन है दूर करने की कोशिश कीजिएगा। के इस पर करते हैं, आइए x माइनस टू डिवाइडेड बाय x होल पावर 10, ये एक्सपेंशन जो कि है, इस एक्सपेंशन में टर्म चाहिए जिस वेरिएबल को जितना हो x बाय x, इसको ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इस फॉर्मूला में r कोई पता नहीं क्या है, r आगे चल के फाइंड करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ n की वैल्यू है 10, r a इज फर्स्ट टर्म दैट इज x पावर n माइनस r, b मीन सेकंड टर्म माइनस 2 डिवाइडेड बाय x होल पावर। ओके बच्चों, क्या हुआ, जस्ट वैल्यूज आर सब्स्टिट्यूटेड इन द फॉर्मूलास। अब जाके हम सिंपलीफाई करेंगे r फाइंड करने के लिए, इक्वल्स टू कॉम्बिनेशन को नहीं चेंज करेंगे, r नहीं भी r फाइंड करेंगे तब x पावर 10 माइनस r 7, नेगेटिव नंबर में पावर तो मींस माइनस 2 पावर r 17 किया, x पावर r दोनों की पावर 7 किया। क्लियर जी स्टेप। सो नेक्स्ट स्टेप देखें, 10 एंड r कॉम्बिनेशन, x पावर 10 माइनस r माइनस 2 पावर r, अब ये x पावर r डिवाइड में हम रेसिप्रोकल तो करेंगे पावर की साइन नीचे ऊपर लेकर आए, वैल्यू ऑफ r = 5, 2 बटा 10 को कर सकता है,
ओके आज की वैल्यू मिल गई सही है। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में एंड देन सम प्रोडक्ट करेंगे आज इज इक्वल टू 5 एंड क्वेश्चन नंबर 1 तो ये क्या मिलेगा देखते हैं। सो इक्वेशन 1 ये है 10 एंड r की कॉम्बिनेशन 10 माइनस 2r माइनस 2 पावर r सही है। क्वेश्चन नंबर को ऐसे लिखा। अब यहां पर आगे जगह का आगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सॉल्व करते हैं समझ से भी तो कंसंट्रेशन से समझिएगा कैसे सॉल्व हो रहा है 5 प्लस 1 10 r की वैल्यू 5 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई r की वैल्यू होल पावर r की वैल्यू 5 सही क्लियर। सिर्फ r की जगह पे r की वैल्यू लिखी और कुछ भी नहीं है तो t 5 प्लस 1 मींस 6 10 एंड 5 की कॉम्बिनेशन सिंपलीफाई करेंगे 10 माइनस 5 इनटू 5 कट गया सही है इनटू x पावर 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 के साथ 10 नेगेटिव नंबर पे पावर 5 ऑड है ऑड होने की वजह से नेगेटिव साइन सेम रहेगी 2 पावर 5 ओके सो इज इक्वल टू 10 फैक्टर को हम सिंपलीफाई करेंगे 9 8 7 6 एंड 5 फैक्टर तो नीचे 5 फैक्टर समझें, सीखें, टाइम में कंप्लीट कर सकें, ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।